हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। इसमें देखेंगे क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी करेंटली, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए अगले कुछ घंटों में, उनके साइड से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। तो फोकस अपनी पर्सन पर बनाकर ज़रूर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स पे ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी करेंटली, किस माइंड सेट में है आपके पार्टनर? स्टार, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि भरोसा लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं। कुछ गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, डिस्टेंस हो सकता है, उसको मिटाकर एक हेल्दी गुड कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने चांसेस है रिसेंटली कोई मैसेज आप तक पहुंचाया है, या तो जल्द से जल्द इनके साइड से या किसी और के थ्रू, ठीक है, मैसेज इन्हीं का होगा पर किसी और के थ्रू मैसेज भिजवा सकते हैं, या तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स को आप दोनों के बीच इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को आपको कॉल टेक्स्ट करा सकते हैं, आप दोनों के बीच इन्वॉल्व कराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कि वजह यही है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनको लेकर आपका थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या सोचते हो, क्या आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच क्लैरिटी नहीं है, इनको कुछ नहीं पता चल रहा आपके बारे में, तो ये करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दिए हैं, ठीक है। आपका मूड जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए खुद कर सकते हैं, या तो किसी और को आप दोनों के बीच इन्वॉल्व कराएंगे, किसी और के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपकी वॉइस सुनेंगे, आपका चैट्स मुझे रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी और से कर रहे हो, यानी कि इनके फ्रेंड्स वगैरह किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिए हैं। कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपको माफ़ीनामा मिलेगी, आपको सॉरी मिलेगी, आपके पार्टनर आपको सॉरी कह सकते हैं, अपनी गलतियों का माफ़ी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका मिस्टेक फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जगलिंग वाला एनर्जी हो सकता है, या तो बुरा व्यवहार करना आपके साथ, आपका जो ड्रीम है उसको फुलफिल ना कर पाना, आपको सपने दिखाकर उस सपने को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ना, इन सब के लिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दिया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर आपकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, आपका लव, इमोशंस, आपकी प्योरिटी देख पा रहे हैं। कुछ कर रहे हो आप ऐसा, ठीक है, अपनी बात रख रहे हो, या टोटली इग्नोर कर रहे हो, या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, फोकस अपने रिश्ते पर बना रहे हो, या रिश्ते से हटाकर कुछ कर रहे हो ऐसा जिससे आपके पार्टनर को ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, कुछ सच्चाई देख पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर, कुछ गलत समझ लिया था कहीं पर, तो वो चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी मुझे एनर्जी दिखाई दिया है यहाँ पर। कुछ लोगों के बीच मुझे फिजिकल इंटीमेसी दिखाई दिया है, आप दोनों क्लोज आ रहे हो, या आपकी पर्सन का ऐसा सोच है कि यह आपके रिश्ते के लिए बेहतर होगा, और इससे आपका जो कनेक्शन है उसमें फीलिंग भी आ रही है, हो रही है, ठीक है, कन्वर्सेशन, क्लोज आना आप दोनों का,
कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हो रही है, रिश्ते में सुधार आ रही है, और भी बेहतर हो रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नज़र आया है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओके, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक है आप दोनों का, या इन्होंने बातचीत करने की कोशिश किया था आपसे बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या कुछ चाहते थे आपके पार्टनर कुछ कर रहे थे, कोई एक्शन ले रहे थे पर आपके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये मुझे हर्टफुल एनर्जी में दिखाई दिए हैं। पेनफुल इनका सिचुएशन, इनका कंडीशन मुझे दिखाई दिया है, इनका हालात मुझे ख़राब दिखाई दिया है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या कम्युनिकेशन बंद है तो ठीक है, अगर आपका जो कनेक्शन है, रिश्ता है, बिगड़ गया है, ख़राब हो रही है, तो आपके पर्सन मुझे हर्टफुल एनर्जी में दिखाई दिए हैं, मिलना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मिलकर कुछ हो सकता है, मिलकर समझा सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, न्यू स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस इनको आपको देना है, या तो आपसे जस्टिस चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव इनको हर्ट कर रहा है, ये आपकी पर्सन का सोच है, ठीक है। ये आपका इग्नोरेंस, बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, आपसे कहना चाहते हैं इनको टेंशन हो रही है, इनको एंजाइटी हो रही है, ये डिप्रेस्ड हैं, टेंशन हो रही है इनको, ये काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं रिश्ते में, खुद को असुरक्षित पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप दोनों बिछड़ ना जाओ, कहीं आप दोनों जुदा ना हो जाओ, आप दोनों अलग ना हो जाओ, ये जो कनेक्शन है उसका एंड ना हो जाए। इनको जस्टिस मिलेगा कि नहीं, आपको जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं, इस कनेक्शन को जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं, बैलेंस कभी होगी कि नहीं, न्यू स्टार्ट इनको चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, वापस से बोर्ड ख्याल दी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो कब होगा? अगर नहीं है तो ये रात को शो भी नहीं पा रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके लव को, आपके ऑफ़र को। अगर रिजेक्ट किया था आपके ऑफ़र को, कुछ आपने कहा था जिसको इन्होंने जाने अनजाने में रिजेक्ट कर दिया, या रिस्पॉन्स नहीं किया, इग्नोर किया, इनको दुख है। आप टेंशन में हो तो ये भी कोई चैन से नहीं सो रहे हैं, ये भी काफ़ी बेचैन हैं, बेकरार हैं, मिलने को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, न्यू स्टार्ट को लेकर, शादी से रिलेटेड या कुछ लीगल से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। लीगल, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉ, इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पर। इनको किसी न किसी बात का टेंशन है, मुझे आपको लेकर ही दिखाई दिया है, आपको रिश्ते को लेकर। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए? क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन? आपके इंतज़ार करेंगे, मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए हैं, वेट करते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे ना दोनों ही इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव है, इमोशंस है, कोई प्रैक्टिकल होकर इंतज़ार कर रहा है, कोई काफ़ी लवफुल एनर्जी में है, अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन आएगा या आएगी जो कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराएगी, नहीं है तो, या आपके रिश्ते को हिल कराएगी वो, ठीक है। वही पर्सन, वो वजह होंगे, वो रीज़न होंगे आप दोनों के रिश्ते की हीलिंग की, बैलेंस की, उन्हीं की वजह से आपका जो कनेक्शन है हील हो रहा है। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों से एज में छोटे हो सकते हैं, वो चांसेस है, ठीक है। आप दोनों का बेबी हो सकता है, हो सकते हैं ये ब्रदर सिस्टर,
या इनके कोई फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड, उनका जो एनर्जी है ना काफ़ी पॉजिटिव है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। पर हाँ, कोई तो है यहाँ पर जो कि आपके रिश्ते को हिल कराएगी, कोई तीसरा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है और उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। आप दोनों को कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करेंगे, वो आपके रिश्ते को हिल करेंगे वो, ठीक है। रीज़न वो होंगे, आप दोनों क्लोज आओगे, आगे बढ़ोगे, वापस से स्टार्ट करोगे, एक होंगे तो वो वजह होंगे, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ना ही वो कोशिश कर रहे हैं कोई, मुझे एक्शन उनके साइड से ना ही आपके साइड से दिखाई दे रहा है, मुझे एक्शन कोई थर्ड पर्सन से दिखाई दे रहा है जो कि आप दोनों के बीच रिश्ते को हिल करा रहा है, आपके रिश्ते को हिल कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये आया है आपकी रीडिंग में, ये है गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।